ए गर्ल विथ ए बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ, विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं। कक्षा 12 का अप्रोच का पहला लेसन। और विलियम सी डगलस जब 1950 में भारत आए थे तो उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उस समय भुखमरी की स्थिति थी क्योंकि लाखों लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आ जा रहे थे। और ये भारत के कृषि का भी वर्णन किए हैं, यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया इस लेसन में। तो इसे देखिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर मैं कार के द्वारा रानीखेत जा रहा था। ये रानीखेत क्या है डैश देकर यहाँ पर दिया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सैनिकों की पहाड़ी छावनी जो स्थित थी ऑन ए 6,000 फुट राइज, 6,000 फीट ऊंचाई पर स्थित थी। तो एक पुरानी अंग्रेजी सैनिकों की पहाड़ी छावनी 6,000 फीट ऊंचाई पर स्थित थी, यही है रानीखेत। और ये किसके सामने स्थित थी? अपोजिट मीन्स विपरीत होता है, यहाँ सामने से तात्पर्य है। ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील फैले बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने 6,000 फीट ऊंचाई पर जो स्थित थी एक पुरानी अंग्रेजी सैनिकों की पहाड़ी छावनी थी। तो ये रानीखेत का वर्णन है कि रानीखेत क्यों प्रसिद्ध था। फिर यहाँ से देखेंगे। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी, जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे वो धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, यह सभी स्टेशन के मार्गों पर रुका करती थी, पैसेंजर ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकावट पर, आई स्वंग ओपन, मैं पूर्ण रूप से खोल देता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट ट्रेन का डिब्बा होता है, तो मैं ट्रेन के डिब्बे का जो दरवाज़ा है पूर्ण रूप से खोल देता था प्रत्येक रुकावट पर, अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर। एंड और वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। Here the poet is describing about the condition of India when he had come on a visit in India in 1950, and he saying that I had left New Delhi for the Himalayas. It means the writer William C. Douglas left New Delhi and he started his journey for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. The writer is saying that at that time he was going to Bareilly by train and then he was going to Ranikhet by car. And what is Ranikhet? The writer is describing here. An old British Army hill station located on a 6-foot rise opposite a 120 mile stretch of snow capped Himalayas. Here writer is saying that Ranikhet is famous for an old British Army hill station and this hill station is situated at the height of near about 6,000 foot at height portion, and it is situated just in front of 120 miles of snow capped Himalayas. The train was slow,
and it stopped at all the way station. The writer is saying that the train in which he was journeying and that train was passenger train, so its speed was very slow and it used to stop at all the stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. And when the train stopped, then at every stop, at every station, the writer used to open the door of his carriage, his wagon, and then he started to walk on the platform. अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ है. The platforms were packed with people. जब ये प्लेटफॉर्म पर टहलते थे तो द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड, प्लेटफॉर्म भरा हुआ था विथ पीपल, लोगों से. वो कौन कौन से लोग थे ये डैश दे कर दिया है. सिख्स अर्थात सिख थे, मुस्लिम्स मुसलमान थे, हिंदूज हिंदू थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रिस्ट्स पुजारी थे, पोर्टर कूली थे, बेगर्स भिखारी थे, हाकर्स फेरी वाले थे. अर्थात जो प्लेटफॉर्म लोगों से भरा था भी ये लोग थे, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू सैनिक व्यापारी पुजारी कूली भिखारी और फेरी वाले थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, लगभग प्रत्येक व्यक्ति वाज बेयरफुट, नंगे पैर था. अर्थात उनके पैर में किसी प्रकार का फुटवियर नहीं था. एंड ड्रेस्ड, और वे ड्रेस में थे, पोशाक में थे, इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, उनका जो पोशाक था ढीला ढाला था और सफ़ेद पोशाकों में थे, उनके कपड़े जो थे सफ़ेद और ढीले ढाले पर थे. आई वुड आस्क, मैं पूछता था, एटलीस्ट कम से कम थ्री पीपल, मैं कम से कम तीन लोगों से पूछता था. बिफोर आई कुड फाइंड, बिफोर मीन्स पहले, आई कुड फाइंड वन, अर्थात मुझे उस एक आदमी को पा सकने से पहले या किसी भी एक को पा सकने से पहले मुझे कम से कम तीन लोगों से पूछना पड़ता था. हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, वी वुड टॉक, हम बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार के मामलों के बारे में बात करते थे. एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य तथ्यों पर बात करते थे. द न्यूज ऑफ द डे, जो उस दिन की समाचारों में प्रोड्यूस्ड प्रकाशित होते थे. इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, इस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा था. टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, गेट ए फील ऑफ द पल्स मतलब भावनाओं को जानना होता है, ऑफ द नेशन राष्ट्र के, इस प्रकार मैं राष्ट्र के भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था. चेकिंग, जांचते हुए, ओपिनियन विचारों को जांचते हुए. अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, जो सरकारी दृष्टिकोण थे और जो प्रतिवेदनाएँ या सूचनाएँ थीं उसके खिलाफ विचारों को जांचते हुए, इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख मुस्लिम्स हिंदू सोल्जर मर्चेंट प्रिस्ट्स पोर्टर बेगर्स हाकर. एंड हेयर द राइटर इज सेइंग दैट when he used to walk on the platforms, then he saw that the platforms were packed with different kinds of people, and they were Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, and businessmen, priests who worship in temple, and porters who carry luggage, and beggars, and the platforms were also packed with hawkers. Hawkers means the men who sell their things to go from door to door. Almost every one was barefoot and dressed in loose white garments. Here writer is saying that near about every person was barefooted. It means they have no any kind of footwear in their foot. And their dresses were also very loose and in white color. I would ask at least three people before I could find one who spoke English. The writer wanted to discuss to anyone. So he's saying that he had to ask near about three persons. And after asking three people, then he was able to find one who could speak English.
we would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. And when the writer got one person or anyone who could speak English, then he started to talk about the matter of about the condition of the world, and he also discussed every main topic in the newspaper which was published in those days. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitude and reports. And writer saying that thus he was trying to get the condition, the situation of the country, and he also compares the people, what is the differences between the common person to a government's person. फिर यहाँ से देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. द रूट मीन्स मार्ग, मतलब जिस मार्ग से वे जाते थे, जो मार्ग था, थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, वो सबसे उपजाऊ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर के था. मतलब जिस रास्ते से राइटर जा रहे थे, वो सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र था भारत का, कृषि क्षेत्र, उसमें से एक से होकर के था, अर्थात बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था वो. दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदानी भाग था. 8000 feet एबव, जो 1000 feet ऊंचाई पर था, सी लेवल, समुद्री स्तर से लगभग 1000 feet ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट का मतलब गंगा भूरे रंग की रेंगी थी. सोलेन, उफन रही थी विथ फ्लोड वाटर, बाढ़ के जल से उफन रही थी, मतलब हिलोरे मार रही थी. इट्स ओवरफ्लो, इसके बहाव में, इसके प्रभाव में. इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकरेस ऑफ राइस, कहने का तात्पर्य है कि इट्स ओवरफ्लो, इसके बहाव में, इन अनडेटिंग, डूबे हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ एकरेस, हजारों एकड़ ऑफ राइस, चावल, अर्थात धान के जो खेत थे, हजारों एकड़ धान के खेत इसके बहाव में डूबे हुए थे. टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, टू द नॉर्थ का मतलब होता है दक्षिण की, सॉरी उत्तर की दिशा में, वेयर जंगल्स, जंगल थे, डैश देकर दिया है, जंगल में क्या क्या थे, ग्रेट एक्सपॉन्सेस ऑफ ग्रास, बहुत बड़ी मात्रा में घास थे, हायर देन मैंस हेड, आदमी के सिर के तुलना में भी अधिक ऊंचे ऊंचे घास थे, बहुत बड़ी मात्रा में. एंड और अनब्रोकन, और जो घास थे वे अनब्रोकन, बिना टूटे हुए थे, अर्थात बहुत लंबे कतार में थे, एक्सेप्ट सिवाय फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, कहीं कहीं पर ओकेशनल मीन्स कहीं कहीं पर क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह था कहीं कहीं पर, नहीं तो केवल घासों का ही बिना टूटा हुआ लाइन था, कतार था. और इसमें कौन रहते थे, जहाँ दिया है द होम ऑफ टाइगर्स, इसमें टाइगर रहते थे, एलिफेंट्स, हाथी, पाइथन, अजगर थे, एंड कोबराज, और काला विषैला सांप रहा करते थे. एवरीवेयर इल्स, इसके सिवा प्रत्येक जगह, ये जो जंगल था, इसके सिवा प्रत्येक जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि था, रनिंग टू द होरिजन, रनिंग जो फैला हुआ था टू द होरिजन, होरिजन में क्षितिज होता है, क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ देखने पर लगेगा कि धरती और गगन का मिलन हो रहा है, तो उस पॉइंट को, उस बिंदु को, उस स्थान को होरिजन बोलते हैं, क्षितिज. तो उस जंगल के अलावा प्रत्येक जगह समतल भूमि था जो क्षितिज तक फैला हुआ था, बट लेकिन डॉटेड, लेकिन कहीं कहीं पर डॉटेड था, अर्थात दिखाई देता था, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ दिखाई देता था, बाय द सेक्रेट बनियन ट्री, पवित्र बरगद का पेड़ दिखाई देता था, मतलब कहीं कहीं पर उस मैदान में बरगद के पेड़ भी थे. एंड बाय द रोज ऑफ पाकर ट्री, और पीपल के पेड़ का भी कतार था, पीपल के भी पेड़ थे, पाकर मीन्स पीपल,
इनका आकार कैसा था, दिया है शेप्ड लाइक एलम्स, जिनका आकार एलम जो सदाबहारी पेड़ होता है, तो ये जो बरगद और पीपल का पेड़ था ये सदाबहारी पेड़ एलम के आकार का था, एंड और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी तना थिक मोटी थी, ट्विस्टेड ऐठनदार थी, ट्रंक्स में तना, तो ये जो बरगद और पीपल का पेड़ था जो एलम की तरह थे आकार में, हैविंग थिक, थिक का मतलब मोटा होता है, ट्विस्टेड ऐठनदार ट्रंक्स में तना, तो इन पौधों की जो तना थी वो मोटी और ऐठनदार थी, मुड़ी हुई थी। हॉट हुमिड एयर वॉज मूविंग, हॉट मीन्स गर्म, हुमिड मीन्स नम, मतलब गर्म और नम हवा वॉज मूविंग, बह रही थी या चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से। मंकी, बंदर भी थे, डैश देकर दिया है बंदर कैसे थे। सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, सम ऑफ देम उनमें से, मतलब उन बंदरों में से कुछ माँ थे, मतलब माँ बंदरियाँ थी विथ बेबीज बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम जो उन्हें चिपकाई थी अपने में, एंड राइडिंग अंडरनीथ और नीचे की तरफ सवारी कर रही थी, मतलब जो बंदरियाँ होती हैं अपने बच्चों को अपने पेट के नीचे अर्थात पेट के पास चिपका करके वे एक डाल से दूसरे डाल पे जब कूदते हैं तो उसे बोलते हैं राइडिंग अंडरनीथ। तो यहाँ फिर पुनः देखेंगे, मंकी जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स उनमें कुछ माँ बंदरियाँ थी विद बेबीज बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ जो उनमें चिपकी हुई थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ और नीचे की तरफ सवारी कर रही थी। तो ये जो बंदर या बंदरियाँ थीं, फिर डैश देके दिया स्वंग ऑफ, ये जो मंकीज हैं स्वंग ऑफ झूलते थे या उछलते कूदते थे, ट्रीज पेड़ों पर, एट द स्टेशन स्टेशन के पास पेड़ों पर उछलते कूदते थे, लुकिंग फॉर फूड भोजन के तलाश में। द विलेजेज और जो गांव थे, वी पास्ड जिन गांव से हम गुजरे, लेखक कह रहे हैं जिन गांव से हम गुजर रहे थे, तो हैड वॉल्स उन गांव की जो दीवारें थी मेड ऑफ मड, वो कीचड़ या मिट्टी से बनी थी, मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, तो उस मिट्टी में पानी मिला हुआ था एंड काउडंग और गाय का गोबर मिला हुआ था, मतलब गांव की जो दीवारें थी वो मेड ऑफ बनी हुई थी मड, मिट्टी से कीचड़ से बनी हुई थी, जिसमें मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग जिसमें पानी और गाय का गोबर मिलाया गया था। दियर पिक्ड रूप्स उनकी जो नुकीली छतें थी, उन घरों की जो नुकीली छतें थी, वेयर थैच्ड वो छप्परदार थी, अर्थात थैच क्या है आगे डैश देकर दिया है, छप्पर क्या होता है जिसको झोपड़ी भी आप बोलते हैं, तो यहाँ दिया है बंडल्स ऑफ ग्रास, घास का गट्ठर, टाइड बांधा गया था टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों में बांधा गया था, स्ट्रेच्ड फिर उसे फैलाया गया था, एक क्रॉस द राफ्टर्स बल्लियों के पास तक फैलाया गया था। दैट डे उस दिन द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन मीन्स कद्दू, कोहड़ा, लौकी भी होता है, तो दैट डे द पंपकिन वाइन्स जो कद्दू की बेलें थी, बेल मतलब पौधा, कद्दू की जो बेलें थी, दैट ग्रू जो उग गई थी ओवर देम उन पर, अर्थात उन झोपड़ियों पर उग गए थे, वेयर इन ब्लूम वे खिली हुई थी, ट्रेलिंग लटकी हुई थी, स्ट्रिक्स ऑफ एलो, स्ट्रिक जैसे धागा होता है, डोर होती है ऑफ एलो पीले रंग का, उस प्रकार से लटकी हुई थी, ओवर ड्रैब वॉल्स उन भद्दी दीवानों पर, ड्रैब मीन्स भद्दा होता है या गंदा, क्योंकि मिट्टी और कीचड़ का बना हुआ था गाय के गोबर से, तो इसलिए देखने में भद्दा लगता है, तो उन दीवानों पर, भद्दी दीवानों पर लटकती हुई पीली रंग की रेखा बना रहे थे। तो इस लाइन को पुनः देखेंगे, दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की बेलें जो उन पर उगी थी, वेयर इन ब्लूम वो खिली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो वो पीले रंग की लटकती हुई एक रेखा, धारीदार रेखा बना रही थी, ओवर ड्राइव वॉल्स भद्दी दीवारों पर, तो पीले रंग की रेखा बना रहे थे, मतलब पंपकिन मिस होगा कद्दू होता है लेकिन वो कोहड़ा था जिसका फूल थोड़ा पीला होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
the route lay through one of the richest of India's agricultural areas. The writer is saying that the route in which the writer is saying that he was traveling in the train, and the train was going towards the most rich area of India. This was the plain of Upper Ganga River, and this place was belonged to Upper Ganga River, 1,000 feet above sea level, and its height was near about 1,000 feet. It was tropical place. The Ganga was brown silt. It means due to flood, the Ganga was looking in brown color, swollen with flood water, and due to flood water, the waves can see in high moment. Its overflow in undating thousands of acres of rice, and it means thousands of acres rice or paddy were in undating in the water or in the overflow of the flood water. To the north were jungles, and to the north direction there were forest, great expanses of grass, and in that forest there were grasses higher than man's head, and its height was higher than man. It means bamboo is also one kind of grass, and unbroken except for an occasional clump of trees. And the writer is saying that the area of the grass was very large, but you can see here and there were group of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. And in that forest, tigers, elephants, pythons and cobras is one kind of a poisonous and dangerous snake or serpent, and so this type of animals live in that forest. Everywhere else there was flat land running to the horizon, and except the forest there were plain field, and it was spread near about the horizon. Horizon is the name of the place. Horizon means horizon is the point of that place where you feel that the sky and earth are meeting to each other. But dotted here and there by sacred banyan tree and are by rose of apple trees shaped like elms. And there were banyan and apple trees, and their shape was just like elm. Elm is also one kind of forest tree, and having thick twisted trunks. And banyan tree and apple tree have thick and twisted trunks. Hot humid air was moving in from the southwest, and at that time hot and humid or mixed air was blowing from the direction of the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, and there were monkeys and some of them mothers monkeys, and they used to jump from one branch to another branch with their babies, swung off in the trees at station looking for food, and they used to jump at the trees at the stations, and they were searching for food. The village we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. And that is saying that he saw the villages, and the homes or the houses of the village had walls, but the walls were made of mud and cow dung, water and cow dung. Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. Here, the writer wants to explain that there were thatched
Thaised means thaised is also one kind of hut, and bundles of grass were tied to bamboo poles stretched across the rafters, and it made the form of thatch the form of a hut. That day the pumpkin vines that grew over them, and in that thatch, in that hut, the plant of vines, pumpkin vines, had grown over them, were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. And the flowers of pumpkin vines were in yellow color, and they were hanging over the drab walls, just like one kind of streaks of yellow color. आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट डे आपको यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा. थैंक यू.